गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग एक के पाठ एक, वह चिड़िया जो, जिसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और केदारनाथ अग्रवाल जी अपने इस रचना में, अपनी इस कविता में क्या कहना चाहते हैं, वो एक छोटी चिड़िया के माध्यम से, एक छोटी पक्षी के माध्यम से कहते हैं। और वो स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं कि पक्षियों को स्वतंत्रता कितनी पसंद होती है। तो आज हम पढ़ेंगे वह चिड़िया जो। केदारनाथ जी अपने इस रचना में क्या कह रहे हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी, जुंडी मतलब जौ, बाजरा, जो जौ और बाजरा के जो बालियां होती है ना, जो दाने होते हैं, जब वो कच्चे होते हैं तो उसमें दूध भरा होता है। क्या भरा होता है? दूध। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी यानी जौ और बाजरे के दानों को रुचि, रुचि यानी कि इच्छा, रुचि से अपने इच्छा से रस से खा लेती है, यानी कि उस जुंडी में, उस जौ बाजरा के दाने में जो दूध भरे हैं, वह अपने रुचि से, अपनी इच्छा से उस रस को, उस दूध को खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी यानी कि संतोष, जिसमें किसी भी प्रकार का लालच ना हो। तो वह एक छोटी सी चिड़िया है और संतोषी चिड़िया है, उसे जितना मिलता है वह उसी में ही संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि मैं कैसी हूं, मैं नीले पंखों वाली हूं और मुझे अनाज से बहुत प्यार है। अब सेकंड देखेंगे, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मतलब गला, कंठ गला ग्रीवा गर्दन, कंठ खोलकर यानी वह चिड़िया जो, यानी गला खोलकर, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा, जैसे जंगल में आप जाएंगे तो वहां पर जो भी गांव के लोग होते हैं, जो भी वहां सिटीजन होते हैं, उस जंगल को, चाहे वो बूढ़ी माता या वन माता या बूढ़े बाबा, किसी भी प्रकार के देवी देवता से उसे पूजते हैं। वो सोचते हैं कि वो देवी या देवता उस जंगल की रक्षा करते हैं। तो जो चिड़िया है अपने गले को खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि उस जो वन बाबा है उनके खातिर, उस देवता के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि रस उड़ेल कर गाना यानी कंठ खोल कर गाना, खुल कर गाना, अपनी इच्छा से गाना, स्वतंत्र रूप से गाना। तो कंठ खोल कर रस उड़ेल कर गा लेती है, अपने सुर को खोल कर ऊंची आवाज में उन्मुक्त होकर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो जो छोटी सी चिड़िया है वो कौन है, वो मैं हूँ। और मुझे विजन यानी दृश्य कहेगा, इस जंगल का, खेत का, खलिहान का, नदी का, ये सारे जो प्राकृतिक चीजें हैं वो क्या है, आपके दृश्य, विजन है, उन सारे विजनों से मुझे बहुत प्यार है। वह अब चिड़िया क्या कर रही है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी यानी कि जब नदी में पानी ऊपर तक भर जाता है और किनारे तक पानी आ जाता है तो उसे बोलते हैं चढ़ी नदी। यानी जब बरसात हुई तो बरसात की वजह से नदी का पानी ऊपर तक चढ़ गया, किनारे तक आ गया। तो
चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी उड़ते हुए उस नदी के ऊपर से जल का मोती ले जाती है। जल का मोती, मोती से अभिप्राय एक बूंद, इसका बूंद जल का, तो जल का मोती यानी जल का बूंद ले जाती है, अपने चोंच से भर कर जल का बूंद वह ले जाती है। वह छोटी गर्भीली, गर्भीली मतलब गर्व से भरी हुई। गर्व किस चीज का गर्व? कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्रता से उड़ सकती हूँ, स्वतंत्रता से खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, और ये सारे जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनका आनंद ले सकती हूँ। तो गर्भीली यानी गर्व से भरी हुई चिड़िया, नीले पंखों, वह गर्व से भरी हुई चिड़िया कौन है? वह मैं हूँ, और मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी से बहुत प्यार है, जिसमें कि पूरे वेग से जो नदी, जो उसका जल है जो बहता है, और मैं उसके जल को स्वतंत्र रूप से पीती हूँ। अब यहाँ पे एक बार आप फिर से देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं कवि इस कविता में। पक्षी के माध्यम से, जो पक्षी होते हैं वो बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, और वह कैद में रहकर कभी भी उड़ना नहीं चाहते, गाना नहीं चाहते, और ना ही खाना चाहते हैं। क्या है यहाँ पे? वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी अपनी चोंच से वह ज्वार और बाजरे के दानों को, जिसमें दूध भरे हुए होते हैं, वह उसे रुचि से उसके रस को पी जाती है, खा लेती है। और वह चिड़िया कैसी है? संतोषी है, छोटी सी है और संतोष रखने वाली है, और उसे अनाज, अन्य यानी अनाज, अन्य यानी अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ यानी गला, गला खोलकर और अपने वन बाबा के लिए बहुत ही तेज स्वर में पूरे रस उड़ेल कर, यानी कि मादक स्वर में होकर गा लेती है या गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया कैसे रहती है? नीले पंखों वाली मैं हूँ, और मुझे विजन, विजन यानी के सारे प्राकृतिक दृश्य, सारे मनोरम दृश्य उससे मुझे बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि इतना ज्यादा पानी उसमें भरा हुआ है कि उस नदी का पानी किनारे तक आ रहा है, और वह जल का मोती यानी जल का जो बूंद है उसे क्या करती है? अपने मुख में, अपने चोंच में भर कर ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया, और वो चिड़िया कैसी है? गर्व से भरी। क्यों गर्व से भरी? क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से उड़ती है, खाती है, पीती है, और प्राकृतिक दृश्यों का क्या लेती है? आनंद लेती है। और वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को किसे किसे प्यार है? चिड़िया को अनाज से प्यार है, चिड़िया को विजन प्राकृतिक दृश्यों से प्यार है, और चिड़िया को नदी से प्यार है। ठीक है ना? तो आप इन सब को अच्छे से पढ़ेंगे, इन्हें देखेंगे, और जो जो मैंने वर्ड मीनिंग बताया है इनको अंडरलाइन करके आप उसको अच्छे से अपने कॉपी पे लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो तुरंत आप उससे पूछेंगे। थैंक यू।